एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह की लंच वगैरह हमारी हो गई है, सारी चीज़ें हो गई है। अभी दोपहर का टाइम है और पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उसके बाद से मैं बाबू को स्टडी कराने लगी थी और यहाँ पे स्टडी अभी हो चुकी है और बाबू चले गए हैं खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे सब ऐसे ही बिखरा हुआ था, सोचा कि सबसे पहले ठीक कर लेती हूँ। और मन में अजीब सा विचार आ रहा था, सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आई होप कि अच्छा लगेगा। मुझे सारी चीज़ें उठा दी है, कारपेट वगैरह सब कुछ उठा दिया है। जब बाबू यहाँ पे खेलता है या फिर मैं पोछा वगैरह लगा देती हूँ ना, तो आराम से स्लिप ना करे, इस वजह से मैं यहाँ पे कारपेट बिछा देती हूँ। तो अभी मैंने हटा दिया है और यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। जब मैं बैठी हुई थी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद, फिर मैंने एक कप चाय पी लिया। होता ऐसे ही है कि जब ना मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ ना, जिस दिन मैं मॉर्निंग में चाय नहीं पीती तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ही पी लेती हूँ। यहाँ पे अभी धो लेती हूँ बर्तन, जो भी कुछ था ना तो वो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था ब्रेकफास्ट का, तो बस थोड़ा मोड़ा है जो भी उसे धो लूँगी। बाबू तो अभी चला गया है खेलने के लिए, नहीं तो उसे बैठाती, साथ में हम लोग बैठते हैं। बट अभी तो बाबू अभी नहीं है, क्योंकि अभी आजकल छुट्टी स्टार्ट हो गई है नवरात्रि की, तो बच्चे सभी के घर पे बच्चे रह रहे हैं, तो फिर बच्चे रहेंगे तो खेलेंगे ही, ऐसा होता है। और ऐसे बच्चों का मन भी नहीं लगता है अकेले अकेले। तो यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मुझे कपड़ा बहुत सारा रखा हुआ था ऐसे ही, जो कि मैंने धुला नहीं था। तो अच्छा मौसम करता है ना, तो ढेर सारा जितना भी कपड़ा रहता है ना मैं धुल देती हूँ। तो यहाँ पे अभी धुल दिए हैं, धुलने के बाद जाके डाल भी दिए हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी जितना जाओ और डाल दो ना तो सही रहता है, नहीं तो यहाँ पर ना धूपा बहुत जल्दी निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है तो धूपा साइड से निकल जाता है। और उसके बाद फिर मैं एडिटिंग वगैरह करने लगी तो इस समय टाइम निकल ही जाता है। और अभी हमारी साफ़ सफाई सब कुछ हो चुकी है, मॉर्निंग में वैसे तो मैंने कर दिया था पर फिर भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। हम दिन भर में सो नहीं पाते हैं, रेस्ट नहीं कर पाते हैं और कुछ ना कुछ घर का काम निकल ही आता है कहीं ना कहीं से, तो ऐसा सभी के साथ होता होगा। लाइट ब्लैंकेट जो है ना वो मैंने नहीं फोल्ड किया था, तो अभी फटाफट से मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। बाबू थोड़ा लेट से उठा था तो फिर मैंने फ़ोल्ड वगैरह नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दी थी और इधर हमारा काम इधर उधर होने लगा था, जो कि अभी हो गया है फाइनली क्लीन। और बहुत ही अच्छा लगता है जब बेड वगैरह लगा दो ना, सुंदर सा देखने से लगने लगता है। साफ़ सफाई तो हमारी हो चुकी है और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में अभी बना लेती हूँ, लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना समझ नहीं आता है दोपहर में क्या, बस समझ में आएगा तो दाल चावल ऐसे ही कुछ समझ में आता है। तो फिर मैंने सोचा कि आज बना देते हैं सिंपल सा तड़का, और प्याज अदरक लहसुन वगैरह भी नहीं डालना है। अदरक डाल सकते हैं, लहसुन वगैरह नहीं डालना है, तो फिर वो भी होता है ना कि क्या बनाए नहीं बनाए का हो जाता है। तो अभी फाइनली सोचे कि तड़का बना देते हैं बिना लहसुन प्याज का, और चना दाल मैंने फूलने को भी रख दिया था, तो फटाफट से मैंने चना दाल को बॉईल कर दिया और इधर तैयार हो गई बनाने के लिए। यहाँ पे एक कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है छौंक लगाने के लिए, जीरा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है, तेज़पत्ता, एक लाल मिर्चा मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला, यहाँ सब कुछ डाल के अच्छे से चटका ली हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसी में दाल जो मैंने बॉईल करके रखा था ना, बॉईल करने के लिए मैंने हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड की थी और बस सिंपल सा, और उसमें टमाटर ऐड कर दी थी। यहाँ पे हमारी छौंक भी लग चुकी है फटाफट से, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें थोड़ा सा मैंने घी ऐड कर दिया है कि खुशबू बहुत अच्छा आने लगे, और सिंपल सा खाने में ना अच्छा नहीं लगता है, बस उसमें घी ऐड कर दो ना तड़का में तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे तड़का के साथ पुलाव बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है, गरम मसाला ऐड कर दिया है, जीरा की मात्रा मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है और थोड़ा सा मैंने काजू ऐड कर दिया है। और ये प्रसाद में मैंने चढ़ाया था ना, तो वो काजू कोई खाया नहीं था, तो मैं सोची कि इसी में डाल देती हूँ, सभी लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे 4-5 ही था, ज़्यादा नहीं था, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे बस दोनों हमारा हो ही चुका है, तड़का और पुलाव, बस 2 मिनट बाद हमारी
कुकर में सीटी लग जाएगी और एक सीटी में तो फटाफट से बन जाता है। तो यहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत था ना डस्ट गिरा हुआ था, तो फिर मैंने उसे भी क्लीन कर दिया और फाइनली हमारी आज की नवरात्रि स्पेशल डिश बन के तैयार हो गई है। तो आज है तीसरे दिन नवरात्रि की, तो अभी आरती वगैरह करूँगी और माता चंद्रघंटा हम लोगों पे आशीर्वाद बनाए रखे, मनोकामना पूर्ण करे सारी, और जो भी मन की इच्छा हो वो तो माता समझते ही हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, होती है। बस कुछ लोगों का कहना होता है कि ये क्या करती है दिन भर, मगर लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये चीज़ क्या है। और मैं कुछ ऐसा दिखाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने काम को दिखाती हूँ। और कुछ फ्रेंड्स हैं, दोस्त लोग जो हैं थे वो ऐसा बोल रहे थे, तो अच्छा नहीं लगता है कि आप वीडियोस देखते हो और फिर ऐसे बोलते हो। मैं अपने काम को दिखाती हूँ और इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। एक वीडियोस को बनाना काम करते हुए बहुत मेहनत लगती है और वो लोग नहीं समझ पाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस तरह से काम करते हुए वीडियोस बनाना, ये कोई मुझे नहीं लगता है कि इतना इजी है। मैं अपने आप के लिए, खुश रखने के लिए इस तरह से करती हूँ, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। और तो ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसे कुछ दोस्त हैं जो मेरे बोलते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। ऐसे क्या होता है ना कि डिमोटिवेट हो जाता है और ऐसा करता है कि चलो नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं वीडियो, ऐसा होता है। अच्छा लग रहा है तो देखो, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं। और मैं अपने लिए वीडियो बनाती हूँ, अपने खुश रहने के लिए बनाती हूँ। शाम का वक्त हो गया है, अभी मैं आ गई हूँ दिया जलाने के लिए। और जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, प्यार देते हैं, उनका बहुत दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ दिया जलाने के लिए और शाम के करीबन बज गया है अभी ही 5:30। मैं 5:30 बजे 6 बजे के बीच में ही मैं दिया जलाती हूँ और अंधेरा हो जाता है 5:30-6 बजे के करीब में। खाना पीना खाने के बाद झाड़ू पोछा सारी चीज़ें मेरी काम हो गई थी तो मैं कर ली थी स्नान। स्नान करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ आरती करने के लिए, बाबू को भी साथ में पैर हाथ धुला के, और घंटी बाबू बजा रहा है तो अच्छा लगता है। आरती वगैरह मैंने दे दिया है, जो भी प्रसाद मैंने चढ़ाया था मॉर्निंग में उसे भी मैं उतार लेती हूँ, सभी लोगों को दे देती हूँ और पानी वगैरह हम लोग पीते हैं। उसके बाद बनाऊंगी चाय। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।